गंगरेल बांध में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ जिसमें दो लड़कियों की जान चली गई। दो लोग घायल हो गए हैं और एक छोटी बच्ची लापता है। यह हादसा नौका विहार करते समय हुआ। नाव में पानी भर गया था, तेज हवाएं चलने से नाव का संतुलन बिगड़ गया जिससे नाव पलट गई। धमतरी के गंगरेल बांध में नौका विहार करते वक्त नाव पलटने से दो लोगों की मौत हो गई, दो घायल हो गए जबकि एक छोटी बच्ची लापता है। ये बेहद दर्दनाक घटना नारायणपुर इलाके से आए 12 लोगों के साथ हुई। ये लोग गंगरेल बांध के किनारे पहुंचे और वहां रखी मछुआरों की नाव लेकर जल विहार करने लगे। उसी वक्त हवाएं तेज हो गई और नाव के अंदर पानी भरने लगा। नाव में सवार लोग पानी निकाल कर फेंकने लगे जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। इस हादसे में एक 5 वर्षीय बच्ची और एक 17 वर्षीय लड़की की डूबने से मौत हो गई जबकि एक 3 साल की बच्ची लापता है। हादसे में दो लोग घायल हैं जिनका इलाज चारामा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है जबकि 7 लोग सही सलामत निकाल लिए गए हैं। घटना की खबर लगते ही धमतरी के अकला डोंगरी थाना की पुलिस रेस्क्यू में लगी हुई है और लापता बच्ची की तलाश लगातार जारी है। कई किलोमीटर के विस्तार में फैले गंगरेल बांध के तटों पर बसे गांव में मछुआरे रहते हैं और अक्सर पर्यटक उनकी नावों को घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बेहद खतरनाक और रिस्की होता है। ये हादसा भी इसी तरह की लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। पुलिस ने अपनी तरफ से अपील की है कि लोग इस तरह का खतरा उठाकर अपनी और अपने परिवार की जान से ना खेलें। मृतक परिवार के एक युवक ने जलविहार का एक वीडियो टिकटॉक पर बनाया था जिसमें पूरा परिवार देखा जा सकता है। कला डोंगरी थाना क्षेत्र की ये घटना है जिसमें नारायणपुर से आए हुए एक फैमिली थे जो कि डुबान क्षेत्र में नदी में घूमने के नाम से निकले थे। इस पर 12 लोग जो कि एक नाव में सवार थे, मौसम खराब होने के कारण नाव पलट गई और उसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई है, एक बच्ची जो अभी भी लापता है और अभी तक जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका है, और इसके अतिरिक्त एक अन्य दो लोग जो है वो घायल हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।